ग्वालियर जंक्शन से साबरमती जंक्शन तक जाने वाली इस गाड़ी का नाम है ग्वालियर साबरमती एक्सप्रेस। लुटेरी ट्रेन कहा जाएगा इसको? एसी में चोरी हो रही है तो क्या बदला पे एसी में जाने का, इस जनरल में बैठ के ना जाओ। अगर आप भी इस साप्ताहिक ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इसमें आपको थर्ड क्लास एसी में भी खुद के सामान की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इस एक्सप्रेस ट्रेन की थर्ड क्लास एसी कोच में चोरी की घटनाएं लगातार सामने आना आम बात हो गई हैं। ऐसा हम नहीं, इस गाड़ी के एसी कोच में आए दिन सफर करने वाले यात्रियों का कहना है। ग्वालियर से साबरमती के बीच चलने वाली इस साप्ताहिक ट्रेन का नाम ग्वालियर साबरमती एक्सप्रेस है, जो केवल रविवार, बुधवार और शनिवार को ग्वालियर जंक्शन से साबरमती जंक्शन तक चलती है। इस पूरे सफर के दौरान यह गाड़ी 18 स्टेशनों पर रुकते हुए अपने गंतव्य स्टेशन तक पहुंचती है। लगभग कितना सामान था, कितने रुपए की उसमें राशि थी, और आप बता रही हैं जेवरात भी थे? कहाँ से आप बैठी थी, कहाँ जा रहे हैं? ग्वालियर से मैं बैठी थी, अहमदाबाद जा रही हूँ। स्लीपर में आज तक अभी कोई चीज चोरी नहीं हुई, एसी में ये हाल हो रहे हैं। छोटे बच्चे थे हमने, चलो एसी में चलते कोई दिक्कत नहीं आई, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा सामान है, सब सेफ रहेगा। अभी चलो ये तो परस लेके नहीं, ये तो चलो परस लेके गया, चलो आज कल फिर कमा लेंगे। अभी बच्चों को ले जाते तो क्या करते? मैं पिछले 2 साल से इस ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, और मैं जब मोस्टली मैंने थर्ड एसी में ही सफर किया है, और जब मैंने सफर किया है तो उस टाइम पे मैंने किसी न किसी की चोरी, ज्वेलरी चोरी हुए, मोबाइल चोरी तो आम हो गया है इसमें। और मैं समझता हूँ इसमें जो रेलवे विभाग है और यहाँ के जो कर्मचारी है कहीं ना कहीं वो इसमें शामिल है, और ये कंटिन्यू चोरी करा रहे हैं, और रेल प्रशासन इसमें पूरी तरह फेल हुआ है। एक फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तब मेरा लैपटॉप चोरी हुआ था, उसकी FIR भी कराई, लेकिन आज तक कोई अपडेट नहीं है। मेरी FIR भी क्लोज कर दी अजमेर थाने ने, और इसके बाद मेरा एक रिसेंटली मोबाइल चोरी हुआ था थर्ड एसी से, उसकी भी FIR कराई, वो भी कंप्लेंट उन्होंने उसको क्लोज कर दिया, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। हमेशा एक लेवल लगा रहता है कि यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, तो वो खुद ही करनी पड़ेगी। प्रशासन पूरी तरह फेल है, उनकी कोई जवाबदारी नहीं है। प्रशासन को मैं अगर रेटिंग दूंगा तो उनको 0 भी रेटिंग नहीं दूंगा मैं 5 में से, क्योंकि वो पूरी तरह फेल है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह इसमें सम्मिलित भी है, क्योंकि अगर प्रशासन टाइट होगा ना तो यहाँ से चप्पल भी चोरी नहीं होगी। प्रशासन से ये अपील है कि इसमें हर कोच में एक एक गार्ड दिया जाए और लॉकर दिया जाए, इससे कोई बंदा अननेसेसरी कोई बंदा अंदर मूवमेंट ना करे, तो कहीं ना कहीं सामान की सेफ्टी बनी रहेगी, और रेगुलर गार्ड इसमें मूवमेंट करते रहे। क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र शिवरे है।